बहुत डिफरेंट है और बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है? ये दो चीज है। डिफिकल्ट इसलिए, जितने भी बाकी होते थे ना, पिछला बीजीएस ले लो, ठीक है, एंड्रॉइड पे खेले हम लोग, उसमें क्या होता, बंदे फाइट्स ले लेते, इसमें बंदे फाइट्स ले ही नहीं रहे। अगर एक स्क्वाड हाउस है, स्क्वाड हाउस में फाइनल्स में देखना क्या होगा, दो टीम रहेगी, एक टीम बोलेगी तुम नीचे वाले फ्लोर ले लो, हम ऊपर वाले फ्लोर का किराया भर देंगे, ऐसे करके। और इतना ज्यादा सर्वाइवल रेट होगा लॉबी का कि भाई एंड्रॉइड की ऐसी तैसी हो जाएगी, इतना लैग करेगा, इतना लैग करेगा, समझ रहे हो? वो तो बहुत होने वाला है। और दूसरा, किसी भी टी वन टीम को उतना प्रैक्टिस नहीं है सर्वाइवल लॉबी को खेलने की, क्योंकि जितने भी बाकी हमने टूर्नामेंट्स खेले उसमें क्या होता है कि उसमें हम इजली फाइट ले जाते हैं, फाइट लेते हुए जाते हैं, और एक शेक में कभी कभार एक ही बंदा होता है, दो तीन नहीं होते, तो पुश उस हिसाब से करते हैं, और पूरा मतलब एक हमें पता रहता है, फ्लो बन रखा है ऑलरेडी खेलने का कि कैसे खेलना, सबको पता है क्या करना। लेकिन ये जो बीएमपीएस की लॉबी बनेगी ना फाइनल्स की, इसमें ऐसे नहीं होगा, इसमें सर्वाइवल लोग बहुत खेलने वाले हैं, बहुत ज्यादा सर्वाइवल खेलने वाले हैं, और इतने ज्यादा बंदे बचेंगे, तुम कुछ भी कर लो, अगर तुम फोर सर्कल बन गया, फॉर एग्जाम्पल तुम एच पे हो और किसी टीम पर तुमने पुश करा, पुश करते ही पहले तो तुमसे पुश होगा ही, इतना लैग करेगा। दूसरा, तुम्हें साइड से कोई और भरा देगा, एक दो बंदे वैसे चले जाएंगे, तो बहुत डिफिकल्ट है, समझ लो? तो इसमें किस्मत चाहिए साथ में, क्योंकि जब किस्मत साथ रहेगी तभी कुछ होगा, तभी तो इतने सारे टी वन टीम से बाहर होगी, क्योंकि लॉबी में सर्वाइवल रेट इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि समझ रहे हो, तुम्हें अच्छे से थोड़ा जोन फेवर चाहिए होगा, या फिर तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कंसिस्टेंट खेलना होगा।